नमस्कार प्रिय दर्शकों, जय माता रानी, हर हर महादेव, जय श्री राम। प्रिय दर्शकों, मैं पंडित अश्विनी चतुर्वेदी आप समस्त प्रिय दर्शक एवं प्रिय श्रोताओं का आपके अपने यूट्यूब परिवार यूट्यूब चैनल पंडित अश्विनी चतुर्वेदी में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। प्रिय दर्शकों, आप अपने यूट्यूब परिवार पंडित अश्विनी चतुर्वेदी को इसी तरह आगे बढ़ाते रहिए। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ एक महाचमत्कारी उपाय, एक महाचमत्कारी चीज जो कि आप अपने पर्स में रख लेते हैं तो आपका पर्स कभी खाली नहीं होगा, आपके पास कभी धन की कमी नहीं होगी। आपके पर्स में पैसा नहीं टिकता, आपके पास पैसा नहीं टिकता, आपके बटुए में पैसा जो है नहीं रहता है, तो आप इस उपाय को कर लेंगे तो आपके बटुए में जो है कभी पैसा खाली ही नहीं होगा। इस उपाय को मैं बहुत ही सरल एवं आसान तरीके से बताऊंगा। आप इसका अगर प्रयोग कर लेते हैं तो ये समझ लीजिए कि आपका पर्स, आपका बटुआ कभी नहीं खाली होगा। किसी भी अवस्था में आपका बटुआ खाली ही नहीं होगा। ये इतना चमत्कारी उपाय है, मात्र आपको एक पीपल के पत्ते से इस उपाय को करना है। और आइए आज के इस जानकारी को आपको बताते हैं। बताने से पूर्व मेरा आप समस्त लोग से एक छोटा सा निवेदन रहेगा कि मैं अपने चैनल पे इसी तरह के जो है चमत्कारी एवं ज्ञानवर्धक जो है जानकारी जो है आप लोगों के लिए जो है लेकर के आता रहता हूँ। तो आप इसी तरह के चमत्कारी एवं ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, साथ में बेल बटन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लीजिएगा, जिससे कि हम अपने चैनल पर जैसे ही कोई ज्ञानवर्धक एवं चमत्कारी उपाय डालें आप लोग तुरंत उसका जो है लाभ उठा सकें और अपने जीवन में उसका उपयोग कर सकें। तो प्रिय दर्शकों, आइए आज के कार्यक्रम को प्रारंभ कर लेते हैं। करना क्या है आपको, शनिवार के दिन ध्यान देना है, शनिवार के दिन आपको पीपल के वृक्ष के नीचे चला जाना है और एक अखंडित पत्ता ले लेना है। एक अखंडित पत्ता जो है तोड़ लेना है पीपल के वृक्ष से, कहीं से उसमें कोई टूटा फूटा ना हो, कहीं से फटावटा ना हो, एकदम अखंडित पत्ता जो है आपको तोड़ लेना है। तोड़ने के पश्चात आपको उसको घर पे लेके आना है और इसके बाद उसको शुद्ध गंगा जल से जो है स्नान कराना है। शुद्ध गंगा जल से जो है धो करके और समस्त देवी देवताओं से हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर लेना है, माँ लक्ष्मी का ध्यान आवाहन कर करके, माँ लक्ष्मी को प्रणाम करके। और इसके बाद आपको हल्दी और दही की आवश्यकता पड़ेगी, हल्दी और दही की आपको आवश्यकता पड़ेगी। उससे क्या करना है आपको, उससे करना ये है कि आपको उस पीपल के पत्ते पे, जो पीपल का पत्ता आप लाए रहेंगे, उसको गंगा जल से शुद्ध करके, गंगा जल से धोने के पश्चात आप उसके ऊपर एक चौमुखा जो है रेखा खींचेंगे। इसके बाद उसके अंदर आपको रिंग लिखना है, स्क्रीन पे आपको शो हो रहा होगा, देखिए इसी तरह जो है आपको लिखना है रिंग। लिखने के पश्चात आपको जब रिंग लिख लेंगे, इसके बाद वो कैसे लिखना है, उसको लिखने के लिए आपको दही और हल्दी मिश्रित कर लेना है, इसका घोल तैयार कर लेना है, थोड़ा सा उसमें गंगा जल डाल देना है। और इसके बाद इसी से जो है, इसी को जो है घोल करके और इसको अपने अनामिका उंगली से, आप अपनी अनामिका दाहिने हाथ की अनामिका उंगली से उसको जो है घोल करके और इसके बाद जो है पीपल के पत्ते पे जो है चौमुखा जो है बना लेना है, जैसा आपके स्क्रीन पे जो है दिखाई दे रहा है, इस तरह से जो है चौमुखा बना करके उसके अंदर जो है रिंग लिखना है, जैसा स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है। रिंग लिखने के बाद आपको इस पत्ते को जो है किसी स्थान में रख देना है, बस इसको ध्यान देना है कि धूप में नहीं रखना है, छाया में इसको जो है सुखाना है, इसको जो है धूप में नहीं रखना है, छाया में सुखा लेना है। सुखाने के बाद जब ये पत्ता सूख जाता है आप इसको फोल्ड करके, मोड़ करके और आप इसको अपने बटुए, अपने पर्स के अंदर जो है रख लें। और साथ में इसके अंदर जो है आपको एक सिक्का अवश्य रखना है, एक सिक्का रख लेंगे। और इसके बाद इसके अंदर जो है एक, जो एक का सिक्का जो है आप अवश्य रखेंगे। और रखने के बाद आप इस सिक्के को उसी जो पीपल का पत्ता रहेगा उसी के अंदर फोल्ड करके रख लेंगे और बस आपको इस तरीके से जो है इस पत्ते को जो है अपने पर्स में रख लेना है। और माँ लक्ष्मी की कृपा रही तो आपका जो है कभी जीवन में फिर इसके बाद आपको जो है धन संबंधित कोई समस्या ही नहीं आएगी। समझ लीजिए कि आपका पर्स सदैव भरा रहेगा, आप खर्च भी करते रहेंगे तो भी आपके पर्स में कहीं से ना कहीं से पैसा आता रहेगा, आपका पर्स कभी खाली होगा ही होगा नहीं। उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी जानकारी लेकिन काफ़ी उपयोगी, आप इसका लाभ अवश्य उठाइएगा। और मित्रों, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा जिससे अन्य लोग भी इसका लाभ उठा सकें। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये छोटी सी जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। मिलते हैं आपसे फिर एक नए जानकारी के साथ नए कार्यक्रम में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माता रानी, जय श्री राम।